आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग आज सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हम सब लोग भारत माता की असली में जय करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे दिल्ली का लड़का गोल्ड मेडल जीत के लाया है, उसकी खुशी में उनको सम्मान करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिविज को बोलना चाहता हूँ कि दिविज, आपके ऊपर केवल दिल्ली के लोगों को नहीं, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू एंड वी ऑल लव यू। मैं दिविज के कोच आनंद जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ऐसा हीरा तैयार किया। और जैसा अभी दिविज ने बताया कि जिस दिन इनका वहाँ पे खेल था उस दिन उनको डेंगू फीवर था, उसके बावजूद भी उन्होंने ड्रिप लगवा के उनको तैयार किया और अपने काम पे जुटे रहे। पूरी दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से आनंद जी को भी सलाम। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बधाई के पात्र मुझे लगता है कि दिविज के पेरेंट्स हैं। मैं उनकी पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार स्टेज पे आ जाए। जो भी उनके फैमिली से पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, सब लोग एक बार स्टेज पे आ जाइए। हमारे देश के अंदर कैरियर बनाने का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे, नौकरी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खेलने की छूट दे पाते हैं और उनको इनकरेज करते हैं। ऐसे बहुत रेयर पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को खेलों के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। आज माता पिता और पूरे परिवार की खुशी देखने लायक है कि किस उनको भी याद आ रहा होगा, वो नन्हा सा दिविज याद आ रहा होगा जो अपनी तोतली बोली से बोलता होगा और किसी तरह कदम रख रख के चलता होगा। कितनी बार ही गिरा होगा और कितनी बार ही उसके परिवार वालों ने उसको हौसला दिया होगा आगे बढ़ने का। इसी तरह जब वो दिविज बड़ा हुआ, धीरे धीरे जब वो उसने अपने सपने देखे तो उन सपनों को बुनने का हौसला अपने परिवार से ही पाया, अपनी माँ से पाया, अपने पिताजी से पाया, अपने दादाजी से पाया और अपने पूरे कुटुंब से पाया। और धीरे धीरे जब हम लोग किसी की सफलता को देखते हैं, एक बार जोर से आप तालियों से पूरे परिवार को खड़े होके, सब लोग एक बार खड़े हो जाइए और हमारे देश में जैसा मैं बता रहा था कि पढ़ाई का, कैरियर बनाने का और नौकरी का इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है कि बहुत कम बच्चे हैं जो खेल के अंदर तरक्की कर पाते हैं। हालांकि अभी माहौल धीरे धीरे बदल रहा है,
लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि अधिकतर बच्चे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम कमाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ काम करता है, सरकारों से बहुत कम मदद मिल पाती है। एक बार रिकग्निशन मिलने के बाद, अचीवमेंट के बाद, उसके बाद तो सब लोग आ जाते हैं रिकग्निशन देने के लिए, लेकिन उनका जो संघर्ष होता है, जो अभी दिविज ने बताया कि 25 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष के वक्त ना सरकारें होती है और ना सिस्टम होता है। इसको हमें बदलना है। आज हमने दिविज को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। उन्होंने जो हासिल किया और जो देश का नाम रोशन किया वो इतनी बड़ी बात है कि 1 करोड़ रुपया उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे उनको आगे और बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी। पहले दिल्ली सरकार 20 लाख रुपए दिया करती थी, इसको हमने बढ़ा के 1 करोड़ किया है। इसको बढ़ाने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ा अंदर, ये मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं। जितना 25 साल का संघर्ष दिविज आपने किया, मैंने उतना तो नहीं किया, लेकिन उससे कम संघर्ष भी नहीं किया हमने स्पोर्ट्समैन की पॉलिसी बनाने के लिए। मैं भी कुछ दिन पहले कुछ स्पोर्ट्समैन के विचार पढ़ रहा था जिसमें उनको दिल्ली सरकार से थोड़ी निराशा थी। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 साल में जब से दिल्ली में हमारी सरकार है, जिस किस्म की कठिनाइयां हम लोग रोजमर्रा एक एक फाइल के अंदर, एक एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक एक एक्टिविटी के अंदर, जिस किस्म की अड़चने और जिस किस्म की ऑब्स्टेकल्स हम लोग फेस कर रहे हैं वो बयान नहीं की जा सकती। मुझे नहीं लगता आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस किस्म की अड़चने कभी भी फेस की होंगी। उसके बावजूद, इतनी अड़चनों के बावजूद, पिछले 3-4 साल के अंदर जो दिल्ली सरकार ने काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी स्कूलों का आज पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ मॉडल है। बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, और अभी आप लोगों ने सुना होगा होम डिलीवरी शुरू हुई है गवर्नमेंट सर्विसेज की। कभी सुना था जिंदगी में गवर्नमेंट सर्विसेज की होम डिलीवरी? कोई सोच भी नहीं सकता था। होम डिलीवरी शुरू हुई है गवर्नमेंट सर्विसेज की। इसमें पिछले 1 साल से इस फाइल को क्लियर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग, पिछले 1 साल से। मैं सोचा था अगर हमारी पूरी पावर होती, 3 दिन का काम था यह फाइल क्लियर करना, 3 दिन का काम था, जो 3 दिन के अंदर फाइल क्लियर होनी चाहिए थी। 1 साल हो गया हमको जूझते। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, हमारा सपना है। पूरी दिल्ली का एरिया हमने प्लान किया हुआ है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक अगर हमने बना दिया तो हर 1.5 किलोमीटर के ऊपर दिल्ली में आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा, हर 1.5 किलोमीटर पे। तो इसका मतलब आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, पूरी दिल्ली में आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। ये बड़ी बात है और मुझे खुशी तब मिली। मैं अगर अपनी बढ़ाई करूं तो अलग बात है, मैं भी थोड़े दिन पहले, मेरे को ग्रेटर कैलाश की RWA वालों ने बुलाया था, उनका कोई एनुअल प्रोग्राम था, 5-6 RWA ग्रेटर कैलाश की इकट्ठी हुई थी। जीके तो बड़ा पॉश एरिया माना जाता है, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया जीके माना जाता है। उसके अंदर मुझे जान के बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज ये हुआ, उन जीके वालों ने अपने संबोधन में, RWA वाले जब अपनी समस्याएं रख रहे थे,
कहा जी हमें दो मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, इतने अमीर लोग सरकारी डिस्पेंसरी की मांग कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? सरकारी डिस्पेंसरी है। कल तक लोग सरकारी डिस्पेंसरी में जाना नहीं चाहते थे। आप जब सरकारी डिस्पेंसरियों में जाते थे, दीवारें टूटी होती थी, वहां पे कोई इक्विपमेंट काम नहीं करता था, दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर नहीं आता था, नर्स नहीं होती थी। आज ग्रेटर कैलाश के लोग दिल्ली सरकार से कह रहे हैं जी हमें दो मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिसको देखने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं, हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे। पहले 4 महीने जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने 4 से 6 महीने के अंदर 150 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। उसके बाद इन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दिया हमको। आज 3 साल हो गए उसके बाद, पहले 6 महीने में 150 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बजट पास कर दिया 1000 मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन अगले 3 साल तक वो फाइल लेके बैठे रहे, उन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दिया। अब जाके किसी तरह से ये सोमनाथ भारती, मदन लाल जी, अजय दत्त, ये जितने MLA बैठे हैं, ये जाके फिर LG साहब के घर में धरने पे बैठ गए, उनसे फाइल क्लियर करा के लाए हैं। अब मुझे उम्मीद है आने वाले 6 महीने के अंदर आपके 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। मेरा ये सब कहने का मकसद केवल एक ही है, आप लोगों ने हमें 70 में से 67 सीट दी थी, अद्भुत, वो भी एक रिकॉर्ड था। बताते हैं हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड था कि इतनी सीट किसी एक पार्टी की आई हो, और वो भी 1 साल पुरानी पार्टी। इस देश में एक आदमी को MLA की सीट जीतने के लिए पूरी जिंदगी एड़ी चोटी के पसीने बहाता है, तब मुश्किल से एक MLA बन पाता है पूरी जिंदगी में। और 1 साल पुरानी पार्टी और 67 सीट 70 में से, मुझे तो लगता है ये ऊपर वाले का कोई चमत्कार था, ऊपर वाला कुछ कम करवा रहा है, कुछ बदलाव आना है, ऊपर वाले की नियति है, हम तो केवल माध्यम है, वी आर सिंपली मीन्स। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर आज लोकसभा के 7 MP भी अगर हमारे होते, मुझे नहीं लगता LG साहब हमारी कोई फाइल रोक पाते उसके बाद। तो आज मौजूदा सरकार ने इतनी अड़चनों के बावजूद इतना काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप हमें और हमारे हाथ मजबूत करेंगे, ताकि इसी स्पीड के साथ हम लोग काम कर सकें। अभी इतने सारे बच्चे आए थे, सोमनाथ भारती जी ने जिनके नाम लिए थे, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं। सोमनाथ जी से मैं पूछा था, उन्होंने बताया कि वो सब नेशनल स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं। मैं उनको सबको बोलता हूं कि आपको आज दिविज से प्रेरणा लेनी है, और सब लोगों को एशियाड और ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाने हैं, और सपना रखना है कि यहीं पे आके, मुझे उम्मीद है जब तक आप जीतोगे तो 1 करोड़ की राशि 5 करोड़ हो चुकी होगी जल्दी। और मैं दिविज को कहना चाहता हूं कि कुछ भी अगर आगे बढ़ने में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे अपना बड़ा भाई मानिएगा, परिवार का हिस्सा मानिएगा। प्लीज ट्रीट मी एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, आई एम ऑलवेज देयर। हमारी सरकार हमेशा आपके साथ है। हम चाहेंगे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, और देश का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।